मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऐसा मुझे लगता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे पहचान करें कि जो एप्लीकेशन, जो ऐप हम चलाते हैं, जितने भी ऐप आप देख रहे हैं, ये ऐप फेक कौन से होते हैं और कौन से जेन्युइन ऐप होते हैं, इनके बारे में कैसे पता किया जाए। हमारे काफ़ी सारे ऐसे लोग, यूज़र्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा एप्लीकेशन जो बोला जाता है नाम से, उस नाम के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं और फिर हमें डाउट क्रिएट होता है कि असली कौन सा है। दोस्तों, इसके दो चार मैं ट्रिक्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करने वाले हैं वो जेन्युइन है। हम प्ले स्टोर पर आएंगे। प्ले स्टोर पर आने के बाद जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक एप्लीकेशन डालते हैं, आप उस एप्लीकेशन के साथ देखेंगे कि जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को डाला तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस जो है उसके सेम नाम के जो है उसके नीचे आ जाते हैं। जैसे देखिए, हमने डाला व्हाट्सएप के बाद अब आप देखेंगे नीचे, देखिए आप जो शो मोर रिजल्ट पर जाएंगे तो काफ़ी सारे, देखिए ये व्हाट्सएप की ही सेम इमेज लगाकर जो है व्हाट्सएप को उसके नाम से काफ़ी सारे कह सकते हैं हम एप्लीकेशन आ जाते हैं। अब दोस्तों, पता कैसे लगाया जाए कि हम जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं वो क्या होगा? सबसे पहले जो हम कर सकते हैं, हमें देखना होगा कि उसमें डेवलपर कौन है। ये हमें पता कैसे चलेगा कि डेवलपर कौन है? आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा रहा होगा WhatsApp LLC, ये देख सकते हैं। नीचे मैं आपको कोई और सा भी दिखा देता हूँ, ट्विटर दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं नीचे लिखा रहा होगा ट्विटर के twitter.inc, मतलब ये जो comma INC है ये यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि ये इसकी कंपनी है। जैसे आप देख रहे हैं ट्विटर लाइट, आप देख सकते हैं twitter.inc, इट मींस ये इनके डेवलपर्स हैं और इनने इसको जो है यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। दूसरा आप कर सकते हैं, आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद जो है दोस्तों, आप यहाँ प्रॉपर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप लिखने के बाद आप यहाँ लिख दें डेवलपर नेम। अब व्हाट्सएप डेवलपर नेम आप लिखेंगे तो देखिए ये तो आ गया है कि व्हाट्सएप डेवलप किसने किया है। आप इसकी विकिपीडिया में जाएंगे और विकिपीडिया में जाने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये लिख रहा है देखिए व्हाट्सएप ओरिजिनल ऑथर कौन है, लेकिन डेवलपर्स कौन है? व्हाट्सएप LLC। और अब फेसबुक के अधीन ये हो गई है, फेसबुक के साथ ये आ गई है, तो यहाँ पर डेवलपर्स में ये लिखा आ रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम गूगल पर डेवलपर्स जाकर विकिपीडिया कर सकते हैं कि उसके असली मालिक उस एप्लीकेशन के कौन है। एक और चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आप एक तो उसके स्टार्स देख सकते हैं, आप उसकी स्टार रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ आप स्टार रेटिंग जो होती है, नीचे आप ये देख सकते हैं कि जो रिव्यूज़ दिए जाते हैं वो रिव्यूज़ भी जेन्युइन को ही ज़्यादा सही दिए जाते हैं, ज़्यादा बेटर दिए जाते हैं। और एक और बहुत अच्छा तरीका है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड कराता है और गूगल ही हमें उस चीज़ को प्रोवाइड कराता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन में अभी तक कितने फेक एप्लीकेशंस हैं और कितने जेन्युइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आप इसको पूरा देखिएगा। हमें जाना है दोस्तों हमारे मोबाइल के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम ड्रैग करके नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गूगल, आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है गूगल, हम गूगल पर क्लिक करेंगे। गूगल पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ मेरा गूगल अकाउंट ओपन होगा। अब यहाँ नीचे आने के बाद हमें जाना है सिक्योरिटी पे। आप सेकंड लास्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गूगल के अंदर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है फाइंड माई डिवाइस, इसके ऊपर भी मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा फाइंड माई डिवाइस क्या है। आज का हमारा मेन टॉपिक है फेक जो एप्लीकेशन होते हैं उन्हें कैसा पहचाना जाए। नीचे आपने देखा होगा लिखा आ रहा है सिक्योरिटी स्टेटस गूगल प्ले प्रोटेक्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, आप पढ़ें, ऊपर लिखा आ रहा है नो प्रॉब्लम्स फाउंड, क्योंकि मेरे जो मोबाइल में कोई भी फेक एप्लीकेशन नहीं है इसलिए यहाँ गूगल ने स्कैन किया। मैंने 25 मिनट पहले ही अभी इसको स्कैन करके देखा, मैं एक बार और आपके आगे स्कैन करके यहाँ देखिए स्कैन करता हूँ, ये स्कैन करेगा 2 से 5 सेकंड का समय लेगा और बताएगा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ मेरे मोबाइल में कितने एप्लीकेशंस हैं,
हंड्रेड वन टू थ्री फोर 104 एप्लीकेशन जो है मेरे इस मोबाइल डिवाइसेस में चल रहे हैं और 104 के चार जो है पूरे वेरीफाइड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है नो प्रॉब्लम्स फाउंड, कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है, फेक नहीं है, सारे रजिस्टर्ड हैं। आप लर्न मोर पे जाके और इसके बारे में पता कर सकते हैं। लिखा हुआ है प्ले प्रोटेक्ट रेगुलरली चेक्स योर एप्स एंड डिवाइस फॉर हार्मफुल बिहेवियर, यू विल बी नोटिफाइड ऑफ एनी सिक्योरिटी रिस्क फाउंड। आप ऊपर एक सिक्योरिटी का बटन देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमें करना क्या है, हमें बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑन कर देने हैं, स्कैन एप्स फॉर प्ले प्रोटेक्ट, इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। इन दोनों को जब आप इनेबल कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से जब आप स्कैन करेंगे और ये भी ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद जो है हर दिन हर समय आपको स्कैन करता है और बताता है कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में या आपके इस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कौन से अच्छे एप्लीकेशन हैं और कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, ये टिप्स जो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे हम पहचाने कि हम जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं, उसको वो फेक तो नहीं है और वो जेन्युइन है, तो उसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए हमें कंपनी नेम, किस कंपनी ने उसको डेवलप किया है, इसको आप गूगल से भी पता कर सकते हैं, वह भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला, आप अंदर सिक्योरिटीज़ में जाकर यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप गूगल पे जाएंगे, गूगल के बाद आप सिक्योरिटी पर जाएंगे, यहाँ से आप प्ले प्रोटेक्ट में जाने के बाद भी पता कर सकते हैं कि क्या आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमेशा स्वागत है आपके कमेंट्स का। और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।